जी हमारा बैग पैक भी हो गया। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छी होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, न्यू शुरुआत के साथ। और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, अभी एक बजने वाले हैं और अभी तक मेरा खाना नहीं बना आज, क्योंकि आज बाहर मौसम और का कुछ ऐसा। सोचा कि आराम से बनाएंगे खाना, और चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। नॉर्मल से बनाऊंगी, ज़्यादा वो नहीं, मतलब प्याज पूज तड़का तुड़का लगा के नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हैवी कढ़ी मुझे खानी नहीं है, गर्म होती वो। तो अब बनने जा रहा मेरा खाना, मतलब उस टाइम से। और मम्मी पापा और लगे हुए ऊपर आज गदेले बनाने पे, थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और करण भी आ गया, वो भी गाय के साथ जा रखा था, और आज तो छुट्टी स्कूल की। तो चलो बनाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? गाइस सच बता रहे हो, आपसे बात करते करते ना खाना बनाने में और ज्यादा मजा आता है। ऐसा लगता है कि मतलब जब कोई ना भी हो ना किचन में, तो ऐसा फील होता है कि नहीं मेरे परिवार के लोग हैं ऐसे मेरे साथ, ऐसा लगता है मुझे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी सरसों का तेल। और मैंने कहा आपके साथ भी थोड़ी बहुत रेसिपी वगैरह शेयर हो जाती है, और आपको पता चल जाता है कि पहाड़ों में कैसे खाना बनता है, सिंपल सादा खाना, और इतना टेस्टी होता है कि मजा आ जाता है। तो मैं इसमें लगाऊंगी राई का तड़का। अभी तेल गरम होने देते हैं पहले, तो तब तक मैं ये हरी मिर्ची काट के रख दूंगी तड़के के लिए। तड़के के लिए नहीं, मतलब कड़ी में खाने के लिए ना अच्छी होती है ये घर की मिर्ची है गाइस। मिर्चू है, मिर्चू मिर्ची नहीं है, बड़े बड़े हैं इसलिए इनको बोलते हैं मिर्चू। कुछ भी बोलते रहते, मैं माइंड मत किया करो मेरी बातों को, ठीक है? तो डुबो जला रहे हैं बाहर, मैं कर रहा हूँ। मिर्ची डाल दूंगी और पीछे हो जाऊंगी, ताकि मेरे पास ना आए छिटे छूटे। हमारे बन चुके हैं, गैस मैंने बंद कर दिया है और कड़ी अभी उबलेगी। तो तब तक मैं कपड़े धोने के लिए, बारिश लगी हुई वैसे तो, उनको धो देती हूँ, भिगो रखे थे सवेरे से। और वैसे उनको पानी में ही निकालना है, क्योंकि वो कल के कपड़े, कल हम श्रीनगर गए थे ना, तो जो कपड़े मैंने कल पहने थे ना, तब क्या हूँ वो पसीने पसीने की आ रही थी उसमें, तो इसलिए मैं जा रही हूँ कपड़े धोने। और तब तक मेरी कड़ी बन जाएगी, गैस सिम कर देती हूँ और तब आके देखती हूँ इसको कि क्या सीन हुआ इसका, है ना, उबले ना कहीं बस। तो चलो कपड़े धो के आते हैं, नीचे से पानी तो आ नहीं रहा ऊपर। यही मैं कपड़े धो के भी, और अब तक कड़ी भी उबल गई होगी शायद, उबल गई है। अब इसमें नमक डाल देती हूँ बस। इन कपड़ों को सुखा देती हूँ। अब चारों तरफ तो मौसम देख सकते हो आप, कहीं मतलब सुखाने लायक भी नहीं है, पर यहाँ तार लगा रखे ना, थोड़ा यहाँ पे सूख जाएंगे। तो गाइस मौसम हो गया मस्त, थोड़ी देर मौसम के मजे लो आप लोग भी, ठीक है? पापा मम्मी को चूड़ी बना रहे हैं यहाँ पे सावन की चूड़ियाँ पर। सोना मैंने चल गया है, ये नहीं जाएंगी, चल रही है ये, आपका चल रहा था ये, पर तो चल रहा हूँ एक दिन पर गया थे, मेरा कहना था ये मेरा साइज है। माँ जी पूरा देखिए,
कुछ इस तरीके से हो रखी है। यहाँ देखो कबाड़ देखो कबाड़। इसको ठीक करती हूँ फिर मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है? अच्छे से कमरे के साथ मैं सफाई कर ही रही थी तब तक यहाँ कमेंट्स की बारिश हो गई है, मतलब खतरनाक। तो लोग कपड़ों के पीछे क्यों लड़ रहे हैं, मेरे को वैसे किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है? आप लोग जो मर्जी सोचते हो सोचो, लेकिन एक हिमाचल की लड़की मेरी फैन है, वो तो उसने मुझे जवाब देने को बोला है, तो मैं दे रही हूँ उसको जवाब कि लोग मुझे जो कमेंट कर रहे हैं ना कि आप ऑनलाइन कपड़े पहनते हो या वट एवर, पता नहीं इस बात पर कितनी बहस हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ अभी। तो ऑनलाइन भाई मैं नहीं खरीदती, ऑनलाइन सच में नहीं खरीदती। मुझे जो कोलाब्रेशन के लिए आते हैं वो ऑनलाइन ही कपड़े होते हैं, बेको थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ कम से कम कि जो ये हमें मतलब फैन पेज से या वो हो गया क्या बोलते हैं इंस्टा के पेज हो गए, इनसे जो भी कपड़े रिसीव होते हैं ऑनलाइन ही होते हैं। मैं नहीं मंगवाती मुझे कोलाब्रेशन के लिए आते हैं कपड़े, हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि वो भी ऑनलाइन ही होते हैं, लेकिन मैं खुद ऑनलाइन नहीं मंगवाती। मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि मैं कभी भी ऑनलाइन कपड़े नहीं मंगवाती हूँ खुद भी। और अब जो मैं डाल रही हूँ ये कोलाब्रेशन के कपड़े सारे मेरे पास, और नेक्स्ट की जो आपने मैंने कल मतलब मार्केट जाने के लिए जो ड्रेस डाली थी वो फ्रॉक सूट सा होगा, वो कहीं मीशो वीशो पे फ्लिपकार्ट पे हर जगह होगा वो, लेकिन वो मेरी मम्मी लेके आई थी चंडीगढ़ से, मेरी माताओं। तो इतनी बहस क्यों कर रहे हो, और अगर मैं डालती भी होंगी ऑनलाइन कपड़े तो आपको क्या दिक्कत है? पहले तो मैं डालती नहीं, ये बात मैंने क्लियर कर दी है, लेकिन अगर डालती भी हूँ मैं तो क्या दिक्कत है? अगर मैं ऑनलाइन भी ले रही हूँ तब भी अपने पैसे खर्च कर रही हूँ, अगर ऑनलाइन नहीं भी ले रही हूँ तब भी अपने पैसे खर्च कर रही हूँ, आपको क्या दिक्कत हो रही है? मुझे तो बात ही नहीं समझ आती यार, कितने मुद्दे को पता नहीं कौन सा टॉपिक बना रहे थे आप लोग, थोड़ा सा दिमाग नहीं है कि बिल्कुल भी कि मतलब कुछ भी लिख दो, है ना? ऐसा बोल दो कि दीदी आपके अंदर एटीट्यूड आ गई है वो, तो इतनी सी बात के लिए यार इतनी बड़ी बहस कौन करता है? मुझे तो बात ही नहीं समझ आती है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ प्यार से रहो, हम आपके साथ प्यार से रहें, लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे सबके लिए नहीं कह रहे मैं, कुछ लोग हैं जो कि दिमाग खराब करने के लिए आते हैं बस। व्लॉग मत देखो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बोलती किसी को जबरदस्ती कि व्लॉग देखो ही देखो, जो मुझे सच में प्यार करता है वो देखो, जो नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, नहीं देखना मत देखो, पर ऐसे फालतू के कमेंट मत किया करो प्लीज। बेड भी साफ हो गया, ये झोला रखा है इसमें क्योंकि इसमें मैंने सामान रखना भी, बाकी मैंने यहाँ भी सेट कर लिया और यहाँ भी सब साफ। ऊपर देखो ये सारे मेरे प्रोडक्ट इतने सारे अब साफ लग रहा है ना। तो जो मैंने हॉस्पिटल बैग तैयार करना है उसके लिए मैंने बैग निकाल दिया, यहाँ पे मम्मी का बैग था तो हमारे पास बैग था, इसलिए मैं बैग लेके नहीं आई, मतलब इसमें मेरा सारा सामान आ जाएगा और ज्यादा सामान लेके जाने की जरूरत नहीं क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी है, तो नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि एक दो दिन ही रखते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद घर भेज देते हैं। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कि क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले ये था मेरा बैग जो कि इतना है, मतलब झोला टाइप का है, तो इसमें सारा सामान आ जाएगा नॉर्मली। तो सबसे पहले हमारी जाती है फाइल, जिसने मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितने भी मेरे टेस्ट वगैरह हुए, रिपोर्ट वगैरह और आधार कार्ड वगैरह भी रख देना क्योंकि चाहिए होती है कई बार, तो वो मैंने इसमें फोटोकॉपी करके रखी हुई है ताकि मतलब सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह सब रखे हुए हैं, ये मैंने रख दिया बैग में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बार रखे मैंने सैनिटरी पैड्स वगैरह जो कि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से मैं कुछ निकाल के रखूँगी, सारे नहीं रखूँगी, पूरा नहीं भर के लेके जाऊँगी, मतलब 4-5 निकाल के रख दूँगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बाद में राहुल और ले आएंगे वो घर पे, मतलब घर से ले आएंगे बाद में अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद ये मेरा वो वाला आउटफिट होगा जो कि मैं घर आने के लिए पहनूंगी, मतलब यहाँ से तो पहन के जाऊंगी लेकिन जो घर आने के लिए पहन के आऊंगी वहाँ से तो वो भी रख लूंगी, मतलब घर आने के लिए जो आउटफिट पहन के आऊंगी क्योंकि फिर वो वाले कपड़े साइड हो जाते हैं ना। उसके बाद ये एक कॉटन का कपड़ा है तो इसका मैं क्या करूँगी, कमर बांधने के लिए, उसके बाद डिलीवरी के बाद कमर बांधने के लिए चाहिए होता है ना कॉटन का कपड़ा, एक ये कपड़ा रख लूँगी और साथ ही रख लूँगी एक सर पे बांधने के लिए परांदा, एक में दो परांदा रख लेना सर पे बांधने के लिए क्योंकि ताकि बेबी पे ठंड ठुंड ना आए। परांदे वगैरह वो अभी राहुल लेके आएंगे, वो आएंगे जब ना तो चंडीगढ़ के रास्ते आएंगे मेरे मायके के रास्ते, तो बचा कुचा सामान सारा वो लेके आएंगे। ये है वो बिल्कुल सॉफ्ट वाला टॉवल नहीं होता बेबी के लिए, तो ये वाला टॉवल है एक, इसको रख लूंगी मैं। बेबी के दो जोड़ी क्लोथ हैं इसको रख लूंगी, दो जोड़ी बहुत हैं और बाकी बाद में ले लेंगे, ये इमरजेंसी के लिए, मतलब जब जिस टाइम पे बेबी होगा उस टाइम के लिए। बैग की सैडल चेन में रख लूंगी बिंदी सिंदूर कॉम और वो
लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक की तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बिंदी सिंदूर इसके बिना मैं घर से बाहर नहीं निकलती और वैसे भी मार्केट में तो बिल्कुल नहीं निकलती। तो जब भी मैं घर आने के लिए तैयार होंगी तो दो चीजें जरूर रखूंगी, एक बिंदी एक सिंदूर, बाकी बस। ऐसा मत सोचना कि मेकअप का सामान भी लेके जा रही, लेकिन ये रखना ही पड़ता है क्योंकि इसके बिना मैं नहीं निकलती हूँ सच में बाहर। इसके बाद मैं इसमें रख लूंगी अपना ब्रश टूथपेस्ट वगैरह जो भी, ये उसी दिन रखूंगी। और क्या बोलते हैं नेक्स्ट चार्जर, वो भी मैं उसी दिन रखूंगी। और एक जोड़ी स्लीपर, मतलब जो मैं पहन के, वैसे तो पहन के ही जाऊंगी, लेकिन अगर स्लीपर ऐसा लगा मुझे कि ना ये कंफर्टेबल नहीं, तो ये जोड़ी मतलब स्लीपर भी रख लेना बिल्कुल कंफर्टेबल वाले, जो कि डिलीवरी से पहले अगर वॉक वगैरह करने की नौबत आए तो फिर आपके पैरों में आपकी स्लीपर हो। सबसे पहले मतलब ये किया कि मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई थी, यहाँ देखो एक सेकेंड दिखा देती हूँ, ये मैंने कॉपी में लिस्ट बना के रखी, इसी के ऊपर लिख लिया था, वैसे पेज तो थे पर मैंने कहा पेज कहाँ वेस्ट करने, इसी के ऊपर लिख के रखा हुआ मैंने। और जो जो चीज़ें मतलब सबसे पहले तो वो रख लेना, फाइल रख लेना मेन, बाकी तो हॉट चीज़ें तो रखी जाएंगी बाद में, लेकिन जो आपके स्टार्टिंग से लेके चेकअप वगैरह से लेके हर मतलब जिसमें हर चीज़ होगी वाली फाइल पहले रखनी है, तो वो भी रख दी मैंने। जब बचा कुछ सामान जो रह गया मेरा छोटा मोटा, वैसे तो सारा कुछ मैं ले आई हूँ, लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा रह रखा है तो राहुल आ जाएंगे एक तारीख को, उस दिन वो उसके बाद वो ले आएंगे, मतलब उस टाइम पे, क्योंकि वो उनकी फ्लाइट सीधा चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ से आएंगे वो, तो मम्मा दे देंगे उनके पास, क्योंकि मम्मी को इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होता ना हमसे ज़्यादा, कि कई चीज़ें छूट भी गई होंगी, तो वो मम्मी भेज देगी वहाँ से, बाकी वो तब रख दूंगी और उस टाइम पर आपको दिखा दूंगी। तो जी हमारा बैग पैक भी हो गया और एक कदम और डिलीवरी की तरफ। में दो मैक्स भी जाएंगे अभी, जो कि कल मैंने ली तो थी लेकिन वो वहीं छूट गई है, श्रीनगर में ही छूट गई है मैं लेके, और उसके बाद पैसे पूसे पेमेंट वगैरह दे दी और वो वहीं छोड़ के आ गई, तो दो मैक्स भी जाएंगे इसमें बस। तो जिनकी डिलीवरी हो चुकी है, तो अगर मतलब कुछ सामान रह गया है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा सामान रह गया, मैं वो भी रख लूँगी। और कई चीज़ें मुझे नहीं पता तो आप लोग बता देना प्लीज़, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो बस अभी मैं अभी जरा मुंह वगैरह धो लेती हूँ, मुंह वगैरह पोंछ लेती हूँ और मैं अभी जाती हूँ जरा सैर करने के लिए, क्योंकि घर पे बैठे बैठे फिर वही होता है ना, रात को भूख नहीं लगती नहीं तो। तो देखती हूँ तनु से पूछती हूँ, अगर जाती सैर करने तो ठीक है, अगर नहीं जाती तो मेरे पास कपड़े वपड़े धोने के लिए, मैं कपड़े धो दूँगी फिर घर पर बैठ के, है ना। ऐसा फाइनली हम निकलते हैं सैर करने के लिए, और क्योंकि मैंने तनु को पूछा, तनु कह रही हाँ आ रही, मैं तो देखते हैं आ रही कि नहीं आ रही। आजकल पंद्रह का पानी कितना मोटा हो रखा है बारिश की वजह से। सैर करने के लिए, और आज तो बहुत सारे लोग मिल गए, कुछ राहुल के क्लासमेट्स भी इसमें और दूसरे गांव के, मतलब हमारे सामने वाले गांव के, और सैर कर रहे हैं, पीछे पीछे आ रहे हूँ।